गाइस, सो कैसे हो? बहुत सारे इन्वेस्टर्स अभी लॉस में हो, बिल्कुल होना चाहिए क्योंकि मार्केट ने जिस तरीके का मूवमेंट दिखाया स्मॉल कैप और मिड कैप पे, एक बहुत ही बुरा दिन आ गया था। ऐसा लग रहा था कि सीरियस कोविड इम्पैक्ट आ गया शायद, लेकिन वो इम्पैक्ट था BSE का नया रूल्स। सो आप लोगों को मैंने पहले ही बता दिया BSE का रूल्स क्या था, वो मैंने अपडेट कर दिया था कल ही, लेकिन कुछ रीजंस की वजह से मुझे उतना टाइम नहीं मिला उस टाइम पे। बहुत सारे ऐसे शेयर्स थे उस टाइम पे जो कि बहुत अच्छे वैल्यूएशंस पे मिल रहा था, लेकिन टाइम ना होने की वजह से मैंने ग्रुप में एक लिस्ट बना के भेज दिया था, 30 शेयर्स जो बहुत अच्छे डिस्काउंट में मिल रहा है। अगर आप ग्रुप में हैं तो चेक कर लीजिए वो शेयर्स को, बहुत सही है, बहुत अच्छा है और फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि मैंने सजेस्ट किया मतलब फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। सेकेंड थिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है, वो जो लॉस आपका हुआ है मार्केट से उसका रिकवरी करने का जिम्मा मैं लेता हूँ। सो आज हम लोग ऐसे 5 स्टॉक के बारे में बताएंगे जो आपका वो मतलब लॉस ईजिली रिकवरी कर देगा। सो पहले उन स्टॉक्स के बारे में बताने से पहले मैं ऐसे 2-3 स्टॉक्स बताने वाला हूँ जो कि आज ही मैंने ग्रुप में अपडेट किया था। अगर आप लोग उस ग्रुप में हैं फिनोलिंक के ग्रुप में जिसका आइकॉन यहाँ पर दिख रहा होगा, सो अगर इस ग्रुप में हो आप लोग तो आपको पता है कि कंपनीज़ कौन सा था, फिर भी मैं अपडेट कर देता हूँ। पहला था इन्फोविंस, उसका अपर सर्किल लगने से पहले मैंने बहुत अच्छे से अपडेट किया कि अपर सर्किल लगने वाला है, अपर सर्किल लगने वाला है, इसको परचेस करो एंड देन आपने बहुत सारे ने परचेस कर लिया। सो अभी वेट करो, वो 500 तक जाएगा, जिस लेवल पे है उससे 30% आपको रिटर्न मिलने वाला है उस शेयर से। सेकेंड कॉस्मो फिल्म्स गाइस, सो मैंने थोड़ा सा लेट किया क्योंकि कल मुझे बताना था जब वो बहुत नीचे था, ऑलमोस्ट 30-40% का ईजी गेन था, लेकिन अभी भी स्टॉक्स में बहुत ऊपर जाना है क्योंकि बहुत अच्छा शेयर है। फिर भी आज अगर आपने ग्रुप में थे और बाय किए, आज ही आपको 7-8% का गेन मिल चुका होगा। सो थैंक्स मी लेटर, पहले ग्रुप में ज्वाइन कर लो अगर आप ग्रुप में नहीं हो, क्योंकि ग्रुप में बहुत अच्छे अच्छे कॉल्स देते हैं, सोनू भाई भी देते हैं इंट्राडे और ऑप्शंस कॉल। अगर ऑप्शंस में आपको दिलचस्पी है तो ग्रुप में बिल्कुल ज्वाइन कीजिए, बहुत अच्छे अच्छे कॉल्स आपको मिल जाएगा। थर्ड ऐसा स्टॉक था जो श्री गणेश डैमेजेस, मैंने उस स्टॉक्स को 270 के लेवल पे आ गया था, तब मैंने वो लोअर सर्किट में था, मैंने बोला ये उठते ही गाइस बाय करना है क्योंकि ऐसा शेयर्स बहुत कम ही मिलेगा इस प्राइस में, बहुत अच्छा वैल्यू इसमें मिल रहा था। सो सडनली उसने कमबैक किया तो 330 तक चला गया उसी दिन जब मार्केट का बहुत ज़्यादा क्रैश हो रहा था, और आज जब मार्केट खुला तो 7-8% के गेन के साथ खुला। अभी भी 30% का मूव उस पर बाकी है, 30% नीचे हैं, सो ये भी एक डिस्काउंट शेयर है। लेकिन अब हम बताने वाले हैं हमारे 5 शेयर्स जो कि डिस्काउंट में मिल रहे हैं और फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग है। सो लेट्स स्टार्ट। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं टेस्टी बाइट्स, जो हाल ही में ही 21,400 के लेवल से नीचे गिरा था और 17,755 अभी हैं, जो कि 16,755 से आज 7% का इमीडिएट रिटर्न दिया, और कल भी अच्छा किया था, मतलब नीचे जाने के बाद रिकवरी देखने को मिला था। सो यहाँ से भी आप एक अच्छा परसेंटेज का उम्मीद कर सकते हैं जो कि ऑलमोस्ट 20% है गाइस। फोर्थ नंबर का स्टॉक जो है वो है नज़ारा टेक्नोलॉजी, 75% एनालिसिस्ट इसको सजेस्ट करते हैं बाय करने के लिए, 1666 के प्राइस में अभी आ रहा है और इसका ऑल टाइम हाई है 2020 के आसपास, तो उसको अगर कंपेयर करें इस प्राइस से तो 22% का गेन यहाँ से भी दिखने को मिलेगा जो कि बहुत अच्छा है। हालांकि इसका पी हाई है लेकिन कंपनी का बिजनेस बहुत अच्छा है, हालांकि इस क्वार्टर में रिजल्ट भी ख़राब आया, लेकिन फ्यूचर में बहुत आगे बढ़ने वाला है क्योंकि गेमिंग कंपनी, इसका फ्यूचर बहुत आगे बढ़ने वाला है और ये पूरा दुनिया जानता है, और इसीलिए राकेश झुंझुनवाला ने भी इस पर बहुत अच्छा स्टेक्स डाल के बैठे हैं, बहुत पैसे लगा के बैठे हैं इस कंपनी पे। नंबर 3 स्टॉक है मदरसन एंड सुमी सिस्टम, जो कि एक ऑटो कंपोनेंट कंपनी है और इसने पास्ट में अपने इन्वेस्टरों के पैसे को कई गुना कर चुका है, सो फ्यूचर में भी बहुत ही अच्छा कर सकता है और ये अपने मार्केट पे एक मार्केट लीडर है, सो इन्हें पता है कैसे बिजनेस करना है। फॉरकास्ट एनालिसिस की बात करें तो 72% एनालिसिस सजेस्ट करते हैं इसको बाय करने के लिए, 223 का प्राइस है जबकि इसका हाई है 272 का, इसके मतलब ये भी आपको ऑलमोस्ट 25% का डिस्काउंट में मिल रहा है, और इतना बड़ा लार्ज कैप कंपनी इतने अच्छे वैल्यूएशन में मिल रहा है, मतलब बहुत अच्छा ऑप्शंस है गाइस, इसको एक्यूमुलेट कर सकते हो, लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हो। टॉप 2 स्टॉक्स बताने से पहले मैं आप सबको रिकमेंड कर रहा हूँ आप सीधा हमारे ग्रुप में फिनोलिंक में ज्वाइन कीजिए, वहाँ पर सीधा डिस्कशन कर सकते हैं हमारे साथ, सोनू भाई के साथ, बहुत बड़े बड़े जो
एनालिसिस हैं उन सब के साथ। सो ज़्यादा टाइम ना देरी करते हुए सीधा ज्वाइन कीजिए, ये बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है आप सबके लिए, और मिस ना कीजिए क्योंकि यहाँ से आपको एक नया जर्नी स्टार्ट करने का अपॉर्चुनिटी मिलेगा जहाँ से आप रुकने नहीं वाले हो। ये पक्का वादा है मेरा और हम सबका, सब साथ मिल के मार्केट से कमाएंगे गाइस। हमारा टॉप टू का स्टॉक है पहला किर्लोस्कर इंडस्ट्री, और ये अभी का इस जो वैल्यू है सो इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत अच्छा है, रिटर्न भी बहुत अच्छा जनरेट करता है, डिविडेंड भी अच्छा देता है, एंट्री पॉइंट पे कोई भी रेड फ्लैग नहीं है और ओवरबॉट जोन में भी नहीं है, तो बहुत अच्छा शेयर है जिसका पी है 8.73 और 1406 से इसका हाई है, अभी 1406 है इसका हाई है ऑलमोस्ट 1973, और ये भी आपको ऑलमोस्ट 40% का प्रीमियम डिस्काउंट पे मिल जाएगा इस। सो इसको तो बिल्कुल मिस मत कीजिए क्योंकि इतना ज़्यादा डिस्काउंट एक शेयर में बहुत ही कम मिलता है। नंबर वन स्टॉक का बिजनेस देखिए कितना डाइवर्सिफाई है। सो चलते हैं नाम के साथ, अब स्टार्ट करते हैं, और ये कोई और नहीं श्री जगदम्बा पॉलीमर्स है। ये अपने बिजनेस के लिए जाने जाते हैं क्योंकि लगातार कॉन्सिस्टेंटली ग्रो कर रहा है कंपनी अपने बिजनेस पे, रेवेन्यू पे, सेल्स पे ग्रोथ देखने को मिल रहा है। आज ही हालांकि 5% का अपर सर्किट हिट किया, 1170 चला गया, और अभी ये रुकने वाला नहीं है। इसका ऑल टाइम हाई है अराउंड 1700 के आसपास, 1760 या ऐसा। सो उस हिसाब से अगर देखें तो अभी का जो प्राइस चल रहा है वो ऑलमोस्ट 50% डिस्काउंट में चल रहा है गाइस, 50% डिस्काउंट, जो कि बहुत अच्छा है। और इसका पी भी सही है, ज़्यादा नहीं, लेकिन सबसे एक प्रॉब्लम है जो कि है ये स्टॉक अभी रेड फ्लैग में है, जो आप देख सकते हैं ASM लिस्टेड है, और डिविडेंड ये स्टॉक देता नहीं है क्योंकि बहुत ज़्यादा ग्रोइंग स्टॉक है, और इन्होंने भी अपने स्टॉक्स में लास्ट 5 सालों में 2000% से भी ज़्यादा का रिटर्न दिया है, जो कि बहुत अच्छा है। सो आप क्या सोचते हैं स्टॉक्स के बारे में ज़रूर कमेंट करके बताओ। गाइस आप लोगों को कैसा लगा ये 5 बेहतरीन स्टॉक्स? सो वैसे भी मैंने 3-4 और भी स्टॉक बताया था, पहले ही बताया, श्री गणेश रेमेडीज, कॉस्मो फ्लेम्स, स्टाइलम इंडस्ट्रीज, ऊपर से एक और स्टॉक्स फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशंस जो कि आज भी 12% दिया और अभी भी 20% के डिस्काउंट में चल रहा है। सो इतना सारा इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए इन्फॉर्म कर रहा हूँ टाइम टू टाइम, और अगर आप ग्रुप में होते तो आपको पता होता पहले से ही, क्योंकि 30 स्टॉक्स का नाम पहले ही बता दिया था, ऊपर से इन पे अलग से वीडियो भी बना रहा हूँ क्योंकि उन लोगों को और भी ज़्यादा हेल्प हो। अगर आप ग्रुप में बनते हैं हमारे साथ तो आप भी क्वेश्चन कर सकते हो, किसी भी स्टॉक्स का एनालिसिस के लिए पूछ सकते हो, जिसका मैं एनालिसिस करके आप लोगों के लिए वीडियो बना के दूंगा। सो ग्रुप में बहुत इंपॉर्टेंट है कि ज्वाइन कर लेना, तो कि आप भी बहुत अच्छा अर्न कर सकते हैं, मनी अर्न कर सकते हैं। गाइस शेयर मार्केट से अर्निंग का एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि पैनिक ना होना, और लास्ट कुछ दिनों में बहुत सारे इन्वेस्टर्स ने पैनिक होकर अपने शेयर्स बेच दिए, स्टेक्स बेच दिए, लेकिन मैं उनमें से नहीं हूँ। मैं रेड हो या फिर ग्रीन हो मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, मेरा टारगेट जब तक हिट नहीं होता स्टॉक्स का तब तक मैं नहीं बेचता, मेरा लॉन्ग टर्म का प्लान रहता है। सो लॉन्ग टर्म में एक 10-5% के जर्क में मैं बेचने नहीं वाला हूँ अपने शेयर्स, जो कि 100, 200 या 1000% के गेन के लिए मैं वेट कर रहा हूँ। सो उन स्टॉक्स के लिए मेरे पास कोई लिमिट नहीं होता कि यहाँ पर ही बाई करना है 10-20 रुपये की इधर उधर, मुझसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता मुझे उससे, क्योंकि मैं बहुत देर के लिए होल्ड करने वाला हूँ। सो अगर आप भी कुछ तरीके का पेशेंस सीखना चाहते हैं, मनी मेकिंग ज्वाइन करना चाहते हैं कि कैसे मनी को अच्छे से ग्रो किया जाए, कैसे मैं इन्वेस्ट करूँ, किस तरीके से मुझे इन चीज़ों को ध्यान देना चाहिए, सो ग्रुप में बने रहिए, हम लोग हर एक चीज़ का अपडेट देते रहेंगे और एक साथ मिलके बहुत अच्छा कमाएंगे। सो आप लोग क्या सोचते हैं ज़रूर बताइए, और कमेंट, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट वीडियो वरना मिस कर बैठेंगे गाइस।